नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में चॉकलेट ब्राउनी की। बड़े आसानी से आप लोग चॉकलेट ब्राउनी बना सकते हैं। प्री मिक्स पाउडर आता है, ये प्री मिक्स पाउडर जो है स्पंज के लिए आता है, बेसिकली स्पंज का है वो। इससे बनाएंगे जो स्पंज बनाते हैं केक के लिए, उस का पाउडर है। और इसमें हमने मैदा डालेंगे, इसमें 80 ग्राम, और ये प्री मिक्स पाउडर है वो है 400 ग्राम। तो इसको आगे बताएंगे आप लोगों के लिए। और इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर लिया हमने 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर। ये देखिए चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर 2 चम्मच, 2 कोको पाउडर, 2 टीस्पून इसमें हमने चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर। और ये बहुत ही बढ़िया बनता है, और इसमें करीब करीब 300 ml पानी पड़ जाएगा। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फिर हम पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए, और चॉकलेट ब्राउनी है जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है इससे। ये देखिए, ये हमने पानी डाला, और ये इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें हम डालेंगे चॉकलेट। चॉकलेट हमने मेल्ट कर ली है डबल बॉयलर पे। ये देखिए चॉकलेट डबल बॉयलर पे, एक बर्तन में पानी रखा और गर्म करा, दूसरे बर्तन में हमने चॉकलेट डाली थी। और चॉकलेट डालेंगे इसमें हम 200 ग्राम चॉकलेट डालेंगे। तो आप लोग हमें बता रहा था जो प्री मिक्स पाउडर आता है स्पंज के लिए, वो लिया था, उससे बना रहा हूँ। उससे वो क्या होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है स्पंज, ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो बहुत ज़्यादा फूलता है, तो इसमें इसलिए हमने मैदा मिलाया। लेकिन इससे आप चॉकलेट ब्राउनी बनाते हैं तो बहुत ही गजब की बनती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। इस तरीके से आप इसकी चॉकलेट ब्राउनी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके फिर हम लगाएंगे इसको और दिखाएंगे आप लोगों कितनी प्यारा इसकी चॉकलेट ब्राउनी बनती है। मज़ा आएगा खाने में, ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट है। और ये इसमें हमने जो सांचा लिया, इसमें हमने लगा दिया नीचे बटर पेपर। अगर बटर पेपर तो ठीक है, ना तो आप ओनली ऑयल लगा दें, या घर पे आप बटर पेपर बना सकते हैं, वो आप लोग बताएंगे हम। इसमें थोड़े से हमने डाला 2.5 फुट, और थोड़ा सा इसमें टूटी फूटी डाल देंगे, क्योंकि अखरोट मेरे को पसंद नहीं है, वॉलनट ब्राउनी में नहीं बना रहा हूँ। और ये इसमें कप में भी हम बना लेंगे तो मॉफिन्स टाइप ही बन जाएंगे। ये देखिए कप में भी हम बना लेते हैं, सिलिकॉन के कप हैं, ये सिलिकॉन के कप हैं, इसके ऊपर हमने टूटी फूटी डाल दी है, तो ये इसके भी बना लेते हैं। ये देखिए, तो इसको हम इस तरीके से कप वाले भी भर लेंगे। तो लेकिन खाने में बहुत गजब की लगती है ब्राउनी, और बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, तो एक साथ हम OTG में बनाएंगे। आप चाहो तो इसको माइक्रोवन में बना लें, OTG में बना लें, सिलेंडर में बना लें, या फिर आप इसको कुकर के अंदर बना लें, बाटी ओवन के अंदर बना लें, जो आपके पास है उसके अंदर आप बना सकते हैं। और ये हम बना रहा हूँ OTG में, तो हमने ये रख दिया OTG में पकने के लिए। ये देखिए तो, और ये कप भी रख दिया हमने सिलिकॉन के, मॉफिन्स टाइप रेडी हो जाएंगे ये कप। ये देखिए, तो 25 मिनट पक जाएगा, तो कुकर में करीब करीब 35 से 40 मिनट लगेंगे। माइक्रोवन का तो आप देख लेना, माइक्रोवन में मैंने कभी करा नहीं है, तो आप माइक्रोवन में देख लेना। और ये देखिए बन के हमारा तैयार हो गया। कितने प्यारे हमारे जो चॉकलेट ब्राउनी है, बहुत ही प्यारी बन के तैयारी हुई हुई है, और बहुत ही सॉफ्ट है, 25 मिनट में ये पक चुकी है। ये देखिए, वाह, ये पक गई है ये। ये देखिए, तो बहुत ही प्यारी चॉकलेट ब्राउनी बनती है इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप लोग, हम निकाल के दिखाते हैं इसको। ये देखिए, हमने निकाल ली है इसको, और ये काट के दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही गजब की, ये देखिए, वाव, कितनी सुंदर दिख रही है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं चॉकलेट ब्राउनी, वाव। तो इस, और चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप वॉलनट मिला दें, अखरोट बोलते हैं जिसको, वो डाल दें, और ये हमारी चॉकलेट ब्राउनी बन के तैयार, एकदम सॉफ्ट। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आप लोग लिंक मिल जाएगी इसमें चीकू चीकू
पाया मांस मिलन और बनाना पकाने का वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही गजब का है। कभी गलती से अगर कच्चे ले आते हो तो घर पे बड़े आसानी से पका सकते हो। और आप लोग लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, एलो ग्रेवी, चौप मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, तो जरूर देख लेना, बहुत ही गजब का वीडियो है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। ये देखिए कितनी प्यारी चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट सॉस।